अच्छा मतलब अच्छा मैक्सिमम अपन एग्जाम के बाद अभी उनका प्रेजेंट करना है, तो इसीलिए मैं सोचा आज का डे बेस्ट है प्रेजेंट करने के लिए। ओके ओके तो हाँ सर ठीक है सर, सो वी स्टार्ट। या वो वी कैन स्टार्ट नाउ। हाँ सर, फर्स्ट सर यू गिव सम इंट्रो अबाउट योर सेल्फ सो द स्टूडेंट्स विल गेट मोर आइडिया अबाउट योर वर्क एंड योर अप्रोच सर। ओके ओके जस्ट जस्ट वन थिंग, नो वन इज अटेंडिंग। नो सर, यार वी आर ओनली टू। ओके वी आर ओनली टू ना, हाँ बिकॉज या दिस इज द रिकॉर्डिंग, दिस वीडियो इज रिकॉर्डिंग नाउ एंड ओके वी ओके विल यू शो, आर आई विल, रिकॉर्डिंग ना। हाँ आई विल डायरेक्टली शो टू द स्टूडेंट्स एज अ वीडियो बिकॉज इन कॉलेज देर इज अ लैक ऑफ ओके इंटरनेट कनेक्शन समवेयर इन सम क्लासेस, सो दैट्स व्हाई इट इज अ डायरेक्ट रिकॉर्डिंग। ओके ओके इट इज हाँ नाइस। एंड द क्वेश्चंस व्हिच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस 15 क्वेश्चंस आर डिस्कस्ड बाय द स्टूडेंट्स एंड दे गिव मी द क्वेश्चन। आई हैव ओनली टू टू थ्री क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड बट रेस्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस आर गिवन बाय द स्टूडेंट्स सर, सो दे हैव वेरी मच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू सर। ओके हाँ थैंक यू। एंड या एक्चुअली व्हेन एवर आई वाज सीइंग द क्वेश्चंस, एक्चुअली इट वाज गुड क्वेश्चंस। हाँ थैंक यू सर। सो ठीक हाँ सो है जितना जितना स्टार्ट करेंगे। मैं, हाँ सर मैं स्टार्ट करता हूँ, और जितना मैं आपको पहचानता हूँ और स्टूडेंट्स को मैं बता दूँ जो भी स्टूडेंट्स सुनेंगे इस वीडियो को, कि प्रभाकर सर को मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने तक, मतलब मैं तो उतना ही काम किया हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा में एज अ लाइफ इंडिया, इंडिया सॉरी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का एम्प्लॉय को, तो प्रभाकर सर को जितना मैंने समझा है, जाना है उनका बिहेवियर, उनका जो क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से, तो प्रभाकर सर इज एक बैंक ऑफ बड़ौदा में एक एम्प्लॉय होना इज अ वेरी ग्रेट थिंग ना। करेक्ट सर, अभी ओके आप अपने आप को जिस लेवल पे समझते हो हमारे नजर में, तो यू आर वेरी मच मोर अहेड सर। सो अभी थैंक यू बिकॉज टू कम्पीट विथ सच अ डिफिकल्ट एग्जाम, गिविंग प्रीलियम्स, गिविंग प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम, देन गिविंग इंटरव्यू एंड देन सिलेक्शन इज वेरी टफ सिचुएशन। या एंड नाउ हाँ इट इज बैंकिंग यस सर, दैट्स व्हाई आई गॉट एन आइडिया, आई डिस्कस फ्रॉम द स्टूडेंट्स, जब पढ़ा रहा था तो पता चला कि यहाँ पे मोटिवेशन की थोड़ी कमी है स्टूडेंट्स में, दे आर हाँ डूइंग दी कोर्सेज ऑफ बैफ एंड बीबीआई, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बट यहाँ पे जो मेन फोकस चाहिए कि क्यों कर रहे हैं ये चीज, तो ये यस क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होगा अपन दोनों के जो कन्वर्जेशन होगी आगे इस क्वेश्चन के बेस्ड पे, तो दे विल गेट सम आइडिया और मुझे भी यस मोटिवेशन यस मिलेगा आगे, क्योंकि अभी मैं भी चाहूँ तो आगे कर रहा हूँ अभी भी और करना चाहता हूँ आगे, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, सो अगेन वेलकम यू सर, वार्म ग्रीटिंग टू यू। थैंक यू एक्चुअली हाँ सजेशंस आर वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स व्हेन एवर दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द करेक्ट एग्जाम्स। सर, बिकॉज व्हाट हैपेंस विदाउट इज, नोइंग दैट, हाँ विदाउट नोइंग अबाउट एग्जाम वी कैन नॉट गो इनटू दैट। नो सर नॉट एट ऑल पॉसिबल, बिकॉज क्या होता यस है कि वी टेक एन एडमिशन इन द क्लासेस, अलग अलग क्लासेस में एडमिशन लेते हैं, वी पे द फीस, बट देन टू द क्लासेस डोंट सपोर्ट मच अनलेस यू हैव यस प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम सम फ्रॉम द पर्सन हु रियली डज द वर्क। अब आप एक्चुअल में ऑन द ग्राउंड काम कर रहे हो तो आप जो गाइडेंस यस दोगे वो क्लासेस वाले भी नहीं दे सकते, दैट इज माई गारंटी। यस यस एग्जैक्टली ठीक है सर, तो हाँ फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच आपको स्क्रीन दिख रहा है सर? यस यस दिख हाँ रहा है थैंक यू सर, सो फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन, विच इज बेटर, आईबीपीएस और जो डायरेक्ट एग्जाम होती है एसबीआई और आरआरबी, विच इज मोर बेटर? यस एक्चुअली व्हिच इज बेटर मींस एवरी एवरी एग्जाम अच्छा इज बेटर इन 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 माय ओपिनियन एवरी एग्जाम इज बेटर। बट हाँ एसबीआई डायरेक्ट एसबीआई एग्जाम इज लिटिल बिट डिफिकल्ट कंपेयर टू आरआरबी एंड आईबीपीएस। अच्छा, दीज टू आर ना आईबीपीएस एंड आरआरबी एग्जाम्स आर ना आईबीपीएस कंडक्ट करता है एग्जाम्स एक्चुअली। आरआरबी, हाँ आईबीपीएस सर, मेरे जो सुना है मेरे हिसाब से 26 बैंक्स कुछ आती है, अभी तो बैंक्स तो सब मर्ज हो गई है लेकिन हाँ सब मर्ज कुछ, हो गया अभी। नौ बैंक्स आई थिंक मतलब एसबीआई मिला के 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है अभी। हाँ करेक्ट, लेकिन एसबीआई का एग्जाम ना अलग से होता है, हाँ सर करेक्ट, वो तो इंडिपेंडेंटली कनेक्ट हाँ करता है वो एसबीआई। अच्छा आईबीपीएस आईबीपीएस के अंडर सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स पार्टिसिपेट करते हैं एग्जाम्स में। दोज आईबीपीएस आईबीपीएस एंड आरआरबी एग्जाम्स आर सेम इन इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी। द एग्जाम मींस क्वेश्चंस आर सेम। अच्छा अच्छा एसबीआई पीओ एग्जाम लिटिल बिट टफ। ओके हम्म, आईबीपीएस पीओ एग्जाम इज नाउ इट इज डिफिकल्ट। एसबीआई पीओ इज मोर देन डिफिकल्ट आईबीपीएस। अच्छा, तो आपका जो सिलेक्शन हुआ जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो वहां पे आपने आईबीपीएस दिया राइट? हाँ आईबीपीएस दिया मैंने, एसबीआई पीओ भी दिया लेकिन अच्छा मेंस में क्लियर नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा ओके ठीक है सर, ऐसे था आगे आगे आईबीपीएस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सपोज इफ वी क्लियर क्लर्क एग्जाम, व्हाट इज द वर्क प्रोफाइल? ओके ओ इफ यू क्लियर क्लरिकल एग्जाम यू असाइंड सम मतलब बैंक में ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है अच्छा मतलब ऑपरेशंस क्रेडिट
सारे जो डिपार्टमेंट्स में ना एक्चुअली ऑफिसर ऑफिसर एंड एक ऑफिसर एंड क्लर्क होता है, जो कस्टमर से डॉक्यूमेंट्स लेके चेक करके ऑफिसर्स को देता है, ऑफिसर्स वेरीफाई करते हैं। ऑफिसर सब सभी में ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रहता है, अच्छा हम जस्ट फ्रंट लाइन वर्कर इज ए क्लर्क। अच्छा अच्छा मतलब आप जो है वो ऑन द फ्रंट लाइन एज अ कस्टमर से वो चीजें कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करके फिर जो सबमिशन है फाइनल वो ऑफिसर को जाता है। अच्छा यस 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 अच्छा तो ये हर एक हाँ आपको मतलब पहले से कंफर्म नहीं होता है कि ये कौन से ऑफिस में आपको काम मिलेगा या कौन से पोस्ट में काम मिलेगा ऐसा। नहीं, ऐसा पता नहीं चलता है। जब हम हमको जो ब्रांच में देता है ना पोस्ट पे, हाँ उधर जाने के बाद हमको पता चलेगा। हाँ करेक्ट। जनरली सर हाँ कंपनीज में भी बिल्कुल जब आफ्टर ग्रेजुएशन जो सिलेक्ट होते हैं कंपनीज में कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू, वहाँ पे भी सर मैंने जो काम किया उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि वहाँ पे भी वैसे ही होता है, ऑन द स्पॉट नहीं पता चलता। वहाँ पे जाओगे रहोगे फिर वो डिसाइड करते हैं कि आपको किस जगह पे भेजना है, किस काम के लिए भेजना है। यस 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 बैंक में भी हमको भी ना पहले ट्रेनिंग नहीं मिलता है। अच्छा हाँ उधर जाने के बाद हमको काम करते करते वो आदत हो जाता है, हाँ लेकिन वी विल डेफिनेटली वर्क, मतलब सीनियर्स का सजेशंस लेके काम करते रहते हैं, लेकिन हो जाता है। और एक चीज क्लरिकल में ना हाँ टाइमिंग रहता है, वर्किंग वर्क का टाइमिंग रहता है। अच्छा हाँ क्लरिकल का 10 to 5, 10 to 5 ऑफिसर का में सर। ना हाँ हाँ फिक्स टाइमिंग रहता है, ऑफिसर में ऐसा फिक्स टाइम नहीं रहता है। ओके अच्छा हाँ मतलब तो सर वो जो सात जैसे बरस ये अपना जो स्पंदन सर थे है मतलब और अदिति मैम है वो आई थिंक सो पीओ है ना, चैताली मैम जो है। एक्चुअली कैसे होता है ना, जब पहले बैंक में ज्वाइन होते हैं ना, दो ही पोस्ट रहता है, एक क्लरिकल एंड एक पीओ, पीओ मतलब का प्रोबेशनरी ऑफिसर। जब हम अच्छा ज्वाइन होते हैं ना उसी टाइम के प्रोबेशनरी ऑफिस बोलते हैं, एक एक साल के बाद उसको स्केल 1 ऑफिसर बोलते हैं। अच्छा जब हम काम करते करते वो एक्सपीरियंस के वजह से हम प्रमोशन एग्जाम देते हैं ना, हाँ उसके बाद स्केल 2 बनता है, स्केल 2 ओके के बाद स्केल 3, स्केल 3 के बाद स्केल 4। स्केल 1 को हम असिस्टेंट मैनेजर बोलते हैं, स्केल 2 को मैनेजर बोलता है, एंड स्केल 3 को सीनियर मैनेजर बोलते हैं, स्केल 4 को चीफ मैनेजर बोलते हैं, एंड और स्केल 4 से ना वो एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव लेवल, वो स्केल 4 अच्छा से ऊपर, एंड अच्छा स्केल 5 को बोलते हैं एजीएम, असिस्टेंट जनरल मैनेजर बोलते हैं। असिस्टेंट जनरल मैनेजर ओके अच्छा हाँ स्केल 6 बोलते हैं जनरल मैनेजर बोलते हैं, जीएम, अच्छा तो ऐसे ऐसे लेवल्स होते हैं हाँ तो उनके। अगर सर एक शॉर्ट में अगर बोलो तो स्टार्टिंग जो लेवल है वो क्लरिकल लेवल है, फिर हाँ उसके बाद पीओ का लेवल क्लरिकल, आता है, फिर हाँ उसके बाद पीओ का लेवल आता पीओ के बाद आते हैं असिस्टेंट मैनेजर। है असिस्टेंट। नहीं, हाँ मतलब पीओ मतलब वो 1 साल तक रहते हैं, हम जब प्रोबेशनर पीरियड रहते हैं ना ओके हाँ उस हाँ हाँ पीरियड को हम पीओ बोलते हैं। एक्चुअली वो स्केल 1 ऑफिस, स्केल 1 बोलते हैं और असिस्टेंट मैनेजर बोलते हैं। ओके अच्छा हाँ समझा, वो प्रोबेशनर है सिर्फ 1 ईयर के लिए, फिर उसके बाद वो हाँ 1 ईयर के ऑलरेडी दे आर लिए। स्केल 1 मैनेजर्स बट एक 1 ईयर के टर्म हाँ के यस लिए। यस ऑलरेडी दे आर स्केल 1, बट इन प्रोबेशनर पीरियड में पीओ बोलता है अच्छा बस। अच्छा अच्छा ओके ठीक है सर। नेक्स्ट दो क्वेश्चन का आंसर अभी कर दिया आपने, हाउ पीओज आर मोर अहेड इन पोजीशन देन क्लर्क, तो अभी आपने बता दिया कि वो ऑलरेडी दे आर अहेड ऑफ क्लर्क एज अ यस स्केल 1 कैंडिडेट। फिर यस यस सेथ स्केल 1 के हाँ अंदर, फोर्थ क्वेश्चन भी सर आपने बोल दिया वर्क प्रोफाइल ऑफ पीओ कैंडिडेट की, आप जो यस यस क्लर्क वर्क प्रोफाइल का पीओ इज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन क्लर्क, हाँ करेक्ट करेक्ट तो ये एक सर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हैंडल करना है पीओ ऑफिसर को। अच्छा जब एक क्रेडिट डिपार्टमेंट रहता है एक, उसमें सारे लोन्स रहते हैं ना, उसको उसका सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डिपार्टमेंट हैंडल करने वाला ऑफिसर में रहता है वो। अच्छा हाँ ओके जब वो अगर हम होम लोन सैंक्शन करते हैं, अभी आपको पता है हाँ एसएमएस में होम लोन सैंक्शन करते हैं ना, हाँ वो सैंक्शन होने के बाद वो फाइल ब्रांच जाता है। हाँ ब्रांच में जाता है करेक्ट हाँ ब्रांच में जाता है, ब्रांच में जाने के बाद वो क्रेडिट डिपार्टमेंट है ना हाँ उसी में बैठता है ना वो ऑफिसर, उसको सारे प्रोसीजर डिसबर्समेंट का सारे प्रोसीजर क्लियर करके वो डिसबर्समेंट करना है उसको, अच्छा उसका साइन लगता है वो। जब तुम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ज्यादा रहता है, मतलब वो सारे पढ़ के सैंक्शन लेटर में क्या क्या लिखता है, वो जो सैंक्शन करते हैं ना वो सैंक्शन लेटर में क्या क्या लिखता है वो पढ़ के पूरा कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के उसको डिस्बर्स करना है, उसी टाइम पे उसका साइन लगता है, अच्छा मतलब हाँ थोड़ा केयरफुली ऐसा करना रहता है, करना पड़ता है तो उसको। जैसे आपने इसमें आकाश सर थे आई थिंक सो मेन जो फाइनल सेंक्शन करते थे डिसबर्स। यस यस जो सीनियर मैनेजर लेवल है ना स्केल 3 लेवल, अच्छा वो तो जो फाइनल जो स्केल 3 क्रेडिट लेवल है हाँ ओके वो अच्छा सैंक्शनिंग अथॉरिटी। ठीक
ठीक है सर, सैंक्शन अब करने का पावर चाहिए ना, स्केल 3 क्यों रहता है वो। ओके तो हाँ ठीक है सर, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। उसके पहला एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे जो अभी जैसे आपने कहा स्केल 1 तो पीओ हो गए, वो तो मैं एग्जाम देके पास कर सकता हूँ, फिर स्केल ओके टू पे यस, पहुंचना, स्केल 3 पे पहुंचना, वो उसके लिए कोई अलग एग्जाम्स नहीं होते, ये सब एग्जाम मेरे हिसाब यस से। यस, ये बैंक बैंक के अंदर वो इंटरनल एग्जाम है वो। अच्छा हाँ, बैंक एवरी ईयर कंडक्ट करते हैं प्रमोशन एग्जाम, ओके एवरी ईयर दे कंडक्ट। हाँ या एवरी ईयर कंडक्ट करते हैं, बट हम एलिजिबल जब नॉर्मल डिग्री का कैंडिडेट रहते हैं ना, उनको 3 साल के, वो 3 साल के बाद एलिजिबल रहते हैं। अच्छा अगर बीटेक एमबीए स्टूडेंट्स रहते हैं ना, हाँ उनको 1 साल के बाद एलिजिबल है प्रमोशन एग्जाम अच्छा देने के लिए। अच्छा बाकी अगर आप कोई पोस्ट ग्रेजुएशन, हायर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं लिया तो 3 साल के बाद ही आप ये यस एग्जाम के लिए क्वालिफाइड हो, इंटरनल एग्जाम के यस लिए। यस हाँ अच्छा ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू प्लान एंड प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। हाउ टू प्लान एंड प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। हाँ, मेरा सजेशन इज इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टुवर्ड्स बैंक एग्जाम, देन बिफोर बिफोर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन यू शुड थ्रो ऑल द सब्जेक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द ऑल द सब्जेक्ट्स। ये बैंकिंग का एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट्स रहता है, एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड उसके बाद ना क्या करना है, जनरल अवेयरनेस का सब्जेक्ट है ना, मतलब करंट अफेयर्स, उसमें ना करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जनरल अवेयरनेस रहता है। उसमें हम जब जब हमको टाइम मिलेगा तो वो करंट अफेयर्स को ऐसा पढ़ना चाहिए अच्छा तो वो।